90 गज सुपर एरिया में 2 BHK फ्रेंड्स फ्लैट्स, ये हमारा रहेगा। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग रहेगी, 2 साइड ओपन रहेगा, 2 ही इसमें बालकनी रहेगी। और ये जो सिचुएटेड है हमारा बी ब्लॉक भगवती गार्डन। फ्रेंड्स मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ ये 50 कदम की दूरी पे है फ्रेंड्स। कोई 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, 300 मीटर नहीं, सिर्फ 50 कदम की दूरी पर ये हमारा फ्लैट्स रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं सतीश कुमार कलसी आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने कलसी एसोसिएट्स में और अपने यूट्यूब चैनल वी मेक होम में। तो फ्रेंड्स आज जो मैं आपके सामने फ्लैट्स लेके आया हूँ, ये जो फ्लैट्स रहेगा 2 BHK का फ्लैट रहेगा। हालांकि 80 से 90 गज के एरिया में हम 3 BHK भी निकालते हैं, बट ये काफ़ी डिमांड्स हो रही कि हमें खुले रूम्स चाहिए, तो उसके ऊपर हमने ध्यान रखते हुए 80 गज ऑन पेपर और 90 गज सुपर एरिया में हमने सिर्फ इसमें 2 BHK ही निकाला है। काफ़ी अच्छे साइज़ के आपके रूम्स साइज निकले हैं। दोनों तरफ आपकी बैल्कनी रहेगी और मेट्रो स्टेशन से सिर्फ आपका 50 कदम की दूरी पर ये हमारा फ्लैट्स रहेगा। फ्रेंड्स ये हमारी रजिस्ट्री का फ्लैट्स रहेगा, इसमें आपको इजी लोन मिल जाएगा। और इसमें नीचे जो है हम पूरी कार पार्किंग दे रहे हैं और इसमें लिफ्ट नहीं है। फ्रेंड्स इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो रहेगा हमारी पार्किंग, उसके साथ हम सभी जो 4 फ्लैट्स रहेंगे उनके सबके साथ एक एक स्टोर रूम आपको नीचे हम आपको बनाकर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है। मार्केट आपको इजी मिल जाती है, थर्सडे मार्केट, आप वेडनेसडे मार्केट, आपका सैटरडे मार्केट आपको इजी यहीं पे आपको मिल जाएगी। जहाँ पे हमारा फ्लैट्स है यहीं से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ही हमारा द्वारका स्टार्ट हो जाता है। द्वारका स्टार्ट होने का मतलब बड़े से बड़ा मॉल, बड़े से बड़े स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपके बस स्टैंड, आपका मार्केट, हॉस्पिटल, सभी आपके नज़दीक ही रहने वाले हैं। यहाँ से आपका जाम भी फ्री रहेगा। आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको द्वारका, नोएडा, आपको गुड़गांव जाना है तो ईजी आपकी कनेक्टिविटी है। मेट्रो स्टेशन से सीधा नोएडा हमारी डायरेक्ट मेट्रो जाती है। गुड़गांव यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है और 10 से 12 किलोमीटर ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रहेगा। फ्रेंड्स अभी मैं खड़ा हूँ अपने फ्रंट एलिवेशन में बिल्डिंग की, आप देख सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन आप दिखा दीजिए एक बार। प्रॉपर हमने टाइल्स वर्क किया गया है, इस पर टाइल्स में भी आपका फास्ट नट्स लगाए गए हैं जिससे कि आपकी टाइल्स की प्रॉपर सेफ्टी हो जाती है। फ्रंट पर आपका स्टील की रेलिंग लगाई गई है, उसमें मिरर का भी आपका वर्क है और वुडन का भी वर्क रहेगा। फ्रेंड्स अगर मैं अपनी फ्रंट बिल्डिंग की फ्रंट में खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं आपका 20 फीट आपकी रोड रहेगी, वाइड आपकी रोड रहेगी। सामने आप जो टी पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से राइट होते ही आपकी मेन रोड आ जाती है। मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, अगर आप वॉकिंग जाना चाहते हैं तो मेरे लेफ्ट साइड से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपका सीधा मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। और अगर आपको गाड़ी या आपका बाइक जैसे भी आप आना चाहते हैं तो आपकी रोड खुली है, ईजी आप आ सकते हैं। आपको फैसिलिटीज़, आपको सीवरेज, गैस पाइपलाइन, आपका BSES से मीटर और दिल्ली जल बोर्ड, सभी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। फेसिंग की बात करूँ तो ये हमारी बिल्डिंग की नॉर्थ फेसिंग रहेगी और हमारी बिल्डिंग 2 साइड ओपन है, पीछे हमारा साउथ फेसिंग रहेगी। फ्लोरिंग की नीचे बात करूँ तो हमारा कोटा पत्थर लगाया गया है। तो फुल कार पार्किंग हमने दी है, इसमें हमने कोई भी ग्राउंड पे आपका ना कोई शॉप और ना कोई हमने रूम्स निकाला है, प्रॉपर आपकी पार्किंग रहेगी। 4 ही गाड़ियाँ रहेंगी, इसमें आप अपनी बड़ी गाड़ी भी लगा सकते हैं, इजी आपकी आ जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी, एक बार जूम करके दिखाइए, काफ़ी चारों तरफ साइड पे आपका स्टेयर्स रहेंगे, नीचे आपका वाटर सेक्शन रहेगा, इसमें आपके पॉइंट्स मोटर के और आपका मीटर रहेंगे। पीछे की तरफ एक बार मैं आपको स्टोर रूम दिखाता हूँ, जो सभी फ्लैट्स में एक एक आपको स्टोर रूम दिया जाएगा। ये स्टोर रूम मिलेगा, इसमें आप इजी अपना सामान रख सकते हैं। पीछे की तरफ गली है 10 फुट सर्विस लाइन, उसमें हमने आपका वेंटिलेशन के लिए एक जाल और एक आपको डोर दे दिया गया है। पार्किंग में भी 5 फीट हाइट तक आपकी टाइल्स लगाई गई हैं। ये हमारा स्टेयर्स रहेगा, स्टेयर्स में भी आप देख सकते हैं ग्रेनाइट पत्थर यूज़ किया गया है। ये जो आप लाइट्स के बॉक्सेस देख रहे हैं ये स्टेयर्स लाइट रहेंगी, अभी इसमें लाइट्स लगना बाकी है। इसमें हमारी लिफ्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग रहेगी विदाउट लिफ्ट है और
जो जो एंट्री हमारी रहेगी, एंट्री की फेसिंग की बात करूँ तो सन फेसिंग पे ये हमारा गेट रहेगा, ये हमारा सन फेस रहेगा। आयरन का डोर आपको लगा के दे रहे हैं। जैसे ही हम अपने फ्लैट्स में एंट्री करेंगे, ये हमारा वुडन का डोर रहेगा। जैसे ही हम एंट्री करेंगे अपने ड्राइंग रूम में आएंगे फ्रेंड्स, 90 गज में 2 BHK रहेगा और आप देख सकते हैं 18 फीट का हमारा ये ड्राइंग रूम लंबा रहेगा। और एक बार आप कवर करिए पूरा। और ये देख सकते हैं कि ये जो आपका कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर आपका सोफ़ा इजी आ जाएगा, एल कॉर्नर का आपका सोफ़ा आ जाएगा। और इस तरफ सामने की तरफ हमने LED पैनल दिया गया है, इजी आप अपना TV लगा सकते हैं। एक बार लुक दिखा दीजिए ड्राइंग रूम की, फॉल सीलिंग दिखाइए, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। LED वर्क किया गया है इसमें, लाइट्स का आपका फोक लाइट्स का किया गया है, आपकी फैंसी लाइट्स आपको मिल रही हैं, वॉलपेपर आपका लगाया गया है। स्प्लिट AC की फिटिंग्स हम आपको लगा के दे रहे हैं, आपको इजी आपका स्प्लिट AC इसमें लग जाएगा। और इसमें आपको ये जो स्पेस देख रहे हैं आपका डाइनिंग टेबल का रहेगा, काफ़ी स्पेस है इसमें, आप 6 कुर्सी का या आप 4 चेयर्स का इजी आप अपना डाइनिंग लगा सकते हैं। सामने की तरफ हमारा ओपन किचन रहेगा, 12x2, ये आपका 5.5 का रहेगा। और इसमें फ्रिज का जो एरिया रहेगा आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइड, 4 फीट वाइड आपका फ्रिज का एरिया निकल रहा है, आप ऊपर बड़े से बड़ा फ्रिज अपना लगा सकते हैं। ये हमारा चिमनी का रहेगा, चिमनी आपको लगाकर हम देंगे। प्रॉपर टाइल्स से आपका कवर कर दिया गया है, जिस वाटर का आपका सेक्शन में आपका RO का आपका पॉइंट्स दिया गया है, हॉट कोल्ड और एक डायरेक्ट वाटर का दिया गया है। जो वेंटिलेशन की बात करूं तो पूरी विंडो आपको मिल जाती है जो कि 20 फीट पे खुल रही है, एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं, चिमनी आपको मिल रही है, आपको बास्केट्स मिल जाती हैं जिसमें आप इजी अपना सामान रख सकते हैं। इस तरह विट्रीफाइड टाइल्स रहेगी, 2x4 की हमारी ये विट्रीफाइड टाइल्स रहेगी। ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ तो फ्रंट साइड पर मेरा एक बेडरूम, बैल्कनी, एक किचन, और बैक साइड में जो सर्विस लाइन है वहाँ पर एक आपका आपका मास्टर बेडरूम, जिसमें आपका एक बेडरूम, आपकी एक बालकनी और एक आपका वॉशरूम। अब हम चलते हैं फर्स्ट अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा, कॉमन वॉशरूम भी हमारा 6x6 का रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ रहने वाला है। फिटिंग्स अभी हमारी पेंडिंग है, बट जो भी फिटिंग्स रहेगी हमारी SS की रहेगी। और इसमें देख सकते हैं बॉटम टू रूफ आपका टाइल्स वर्क किया गया है, वाइट एंड ब्लैक के कलर में इसमें रहेगी। और जो सीट्स भी रहेगी हमारी वॉल हैंगिंग सीट्स रहेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वॉल हैंगिंग सीट्स रहेंगी। फ्लश डोर हमारे डोर्स के जो रहेंगे फ्लश डोर रहेंगे। और इसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ हमारा 12x10 का रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ 12x10 में, देख सकते हैं सामने की तरफ प्रॉपर आपका वॉलपेपर लगाया गया है, अगेन आपकी फैंसी लाइट, आपका फॉल सीलिंग में भी आपका पिंक और ब्लू कलर में आपका फॉग लाइट्स, आपकी LED लाइट्स, ट्यूब लाइट्स सभी लगा के आपको दे रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं फ्रंट 20 फुट की तरफ आपकी काफ़ी बड़ी विंडो, जिसमें कि आपका लाइट्स ईजी आपकी रोशनी और वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। डोर की बात करूँ तो दोनों तरफ आपका माइका रहेगा, और ये हमारी बैल्कनी रहेगी, बैल्कनी भी हमारी 12.5 फुट की हमारी बालकनी रहेगी। इसमें भी हमने स्टील की रेलिंग लगाई गई है, इसमें टफन ग्लास आपके यूज़ किए हैं और आपका वुडन का वर्क किया गया है। ये हमारा फ्रेंड्स वॉशिंग एरिया रहेगा, वॉशिंग एरिया को थोड़ा सा हमने वाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा 4 फीट का आपका 4x4 का आपका वॉशिंग एरिया रहेगा। इसमें आपको एक टैप्स और एक पावर का पॉइंट देते हैं, इजी आपकी वॉशिंग मशीन इसमें आ जाएगी। रोड्स आप दिखा दीजिए, वाइड आपकी रोड्स जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। सेकेंड बेडरूम जो रहेगा काफ़ी अच्छा साइज़ रहने वाला है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा साइज़। और साइज़ की बात करूँ तो 15x10.5 का ये हमारा साइज़ रहेगा, प्रॉपर आप देख सकते हैं, एक बार प्रॉपर आप कैमरा घुमा के दिखाएं, काफ़ी अच्छा साइज़। इसमें आप अपना
सोफ़ा भी लगा सकते हैं, या आप अपनी स्टडी टेबल लगा सकते हैं, या आप अपना ऑफिस का टेबल लगा सकते हैं। आपका काफ़ी अच्छा साइज़ ये रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, इस तरफ दिखाइए। प्रॉपर आपको अलमीरा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलमीरा इसमें वाइड, आपको चौड़ी 4.5 फीट और आपका 10 फीट हाइट तक आपको अलमीरा प्रॉपर मिल रही है। इसमें आपका काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा। प्लस इसमें आपको एक ड्रेसिंग टेबल दे रहे हैं, जिसमें कि अभी यहाँ पर आपका मिरर का वर्क जो पेंडिंग है, और नीचे की तरफ आपको एक ड्रॉअर, और ये आपकी सिटिंग सीट्स आपकी सेटी रहेगी, और इसमें भी आपका रैक्स दिए गए हैं, अपना सभी सामान इसमें आप रख सकते हैं। आप फॉल सीलिंग दिखाइए, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग, आपका येलो और ब्लू कलर की आपकी फोग लाइट्स, आपकी एलईडी लाइट्स, इसमें फैंसी लाइट्स भी आपकी दी गई हैं, आपकी ट्यूब लाइट्स मिल जाती हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, इसमें भी हमारी एक बैल्कनी रहेगी, और इसमें एक बार विंडो दिखाइए, अगेन काफ़ी बड़ी विंडो इसमें दी गई है, जिससे कि आपका वेंटिलेशन प्लस आपकी लाइट्स रहेगी। और विंडो एसी के लिए भी आपका पावर के पॉइंट्स आपको 2 दे दिए गए हैं। सामने की तरफ ब्लू और वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का आपका काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर लगाया गया है। अगर आप बेड लगाते हैं तो 6x6 का आपका बेड रहेगा, तो ये जो स्पेस बचेगा प्रॉपर आपका फ्री स्पेस है। इस तरफ भी आपका फ्री स्पेस रहेगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरफ भी आपका स्पेस जो रहेगा आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ आपको वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, ये हमारा एक अटैच वॉशरूम रहेगा। फिटिंग्स अभी पेंडिंग है, आप दिखा सकते हैं एक बार। बॉटम टू रूफ आपकी टाइल्स वर्क किया गया है, ग्रे कलर का आपका कलर टाइल्स का रहेगा। ऊपर की तरफ आपकी फॉल सीलिंग प्लस आपकी एलईडी लाइट्स, इसमें फिटिंग्स आपको प्रॉपर मिलेगी, आपको शावर मिलेगा, आपको टैप्स मिलेंगी, आपको वॉश बेसिन मिलेगा, आपको गीज़र के पॉइंट मिलेंगे, और एक आपकी सीट्स रहेगी, प्लस आपका वेंटिलेशन के लिए एक आपकी विंडो रहेगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने बैल्कनी की तरफ, और ये जो बैल्कनी भी रहेगी हमारी 7x4 की हमारी बैल्कनी रहेगी, काफ़ी हमने इसको वाइड कर दिया गया है, क्योंकि अदरवाइज़ वैसे हम 3x3 की रहती है, बट इसको हमने 4 फीट वाइड इसको साइज़ दे दिया गया है, जिससे इजी आप इसको या तो वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी चेयर्स भी रख सकते हैं। दिखा सकते हैं काफ़ी अच्छी आपकी टाइल्स वर्क प्रॉपर किया गया है, पीछे भी मेंटेनेंस आप फ्री हो जाता है। बैक सेफ्टी पर्पज़ से आपका सर्विस लाइन है, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से भी आपको जाल लगा के प्रॉपर दे रहे हैं, और इसमें भी आपका यहाँ पर आप अपने प्लांट्स भी लगा सकते हैं इजी, आपके काफ़ी खूबसूरत बालकनी लगेगी, और देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है इसमें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पावर का पॉइंट और एक टैप का पॉइंट आपको मिल जाता है, अगर आप वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो वॉशिंग एरिया भी बन जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 90 गज में 2BHK बिल्डर फ्लोर, और छत भी आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइल्स वर्क किया गया है। अभी मैं आपको मेट्रो यहाँ से दिखाने वाला हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 50 कदम की दूरी पर मैंने मेट्रो बोला था, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप एक बार जूम करके दिखाइए, आपको पीछे मेट्रो स्टेशन का ब्लू कलर का हुड नज़र आएगा, जो कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है। और फ्रेंड्स इसके प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको ये फ्लैट सिर्फ हम 37 लाख रुपीज़ में आपको 2BHK बिल्डर फ्लोर, मेट्रो के नियर और 2 साइड ओपन इंडिविजुअल बिल्डिंग, जिसके साथ एक आपको कार पार्किंग, एक स्टोर रूम आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लैट्स आपको दिखा दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे कॉल करें, हम आपको विज़िट कराएंगे, और ऐसे ही फ्लैट्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंट हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी मैसेज छोड़ दें, या फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सीधी मिल पाए। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।